एक नॉर्मल से गुड बाय किस पर कोई इतना गंदा ट्रोल हो सकता है क्या? वेल दोस्तों, ये सवाल मैं आपसे कर नहीं रही हूँ, इनफैक्ट मैं आपको बता रही हूँ कि हाँ भाई, ऐसा भी हो सकता है। बेसिकली कृति सैना नंदनो अपनी आदिपुरुष फिल्म के लिए काफी ज्यादा सुर्खियों में है, लेकिन इसी बीच उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद उन्हें बुरी तरह से ट्रोल किया जा रहा है। भाई हाल ही में एक्ट्रेस तिरुपति बालाजी के मंदिर पहुंची थी, जहां से वापस आते हुए उनकी फिल्म आदिपुरुष के डायरेक्टर ओम राउत ने उन्हें एक गुड बाय किस कर दिया। हालांकि वो किस गाल पे था, जैसा कि यूजुअल गुड बाय किस होता है, लेकिन इस वजह से उनको बुरी तरह से ट्रोल किया जा रहा है। देखते ही देखते कृति सैनन इतनी बुरी तरह ट्रोल होने लगी जिसका कोई जवाब ही नहीं है। कृति सैनन को लेकर लोग काफी तरह की बातें कर रहे हैं। वेल दोस्तों, आपको बता दें, इन दिनों आदिपुरुष फिल्म के लिए हर कोई कृति सैनन की वाहवाही तो कर ही रहा था, क्योंकि उन्होंने इस फिल्म में जानकी माता का किरदार निभाया है। और ऐसे में ज्यादातर लोगों का कहना ये है कि भाई, जानकी माता इस तरह से बिहेव करती अच्छी नहीं लगती है। इस तरह के कॉमेंट्स कृति सैनन के लिए आ रहे हैं, जिसके बाद लगातार उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, ये ट्रोलिंग किस हद तक जायज है, ये सवाल काफी बड़ा है, क्योंकि एक नॉर्मल गुड बाय किस करना ये तो बेसिक जेस्चर्स में होता है, लेकिन कृति सैनन को अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि वो इस चीज के लिए इतनी बुरी तरह से ट्रोल होने लगेंगी। फिलहाल आपको बता दें कि इस फिल्म का फाइनल ट्रेलर रिलीज हो चुका है। फिल्म भी जल्द ही 16 जून को रिलीज होने के लिए तैयार है। फिल्म में कृति सैनन के अलावा प्रभास भगवान राम की भूमिका निभाते नजर आएंगे, और वहीं सनी सिंह जो है वो लक्ष्मण के किरदार में दिखेंगे। फिल्म के VFX को लेकर शुरुआत से ही ये फिल्म काफी ज्यादा विवादों में रही है। हालांकि मेकर्स ने इस फिल्म में बार बार काफी सारे चेंजेस भी किए, और फाइनली इस फिल्म का फाइनल ट्रेलर सामने आया। उसके बाद जिस तरह से हर कोई उनकी तारीफ कर रहा था, तो वहीं इस वीडियो के सामने आते ही कृति सैनन को बुरी तरह से ट्रोल होना पड़ा। इस वीडियो की अगर हम बात करें, तो ये वीडियो देखते ही देखते इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया। इस वीडियो में कृति सैनन काफी खूबसूरत लग रही हैं, लेकिन अपने डायरेक्टर ओम राउत से जिस तरह वो मिलती हैं और उसके बाद वहां से जाती हैं, इस बात पर बखेड़ा खड़ा हो गया है। नेटिजन्स की एक अलग ही जंग शुरू हो गई है। उनका कहना है कि भाई, जानकी माता, ये आपने क्या कर दिया। वेल दोस्तों, किसी भी एक्ट्रेस को इस जेस्चर के लिए ट्रोल करना कहाँ तक सही है या कहाँ तक गलत, ये कहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि नेटिजन्स जो हैं वो काफ़ी जल्दी रिएक्ट करने लगते हैं और ट्रोलिंग का शिकार एक्टर्स को होना पड़ता है। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो देखिए, और आप भी बताइए कमेंट सेक्शन में कि ये जेस्चर जो है वो ट्रोलिंग करने लायक है या नहीं। फिल्हाल बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहें फिल्में बीट, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो करें।